सब आपसे ही सीखे हैं। चलो 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 ठीक है। तो एक सक्सेसफुल क्लब था कौन सा, फर्डिनेंड करता है, जिसका नाम था जैकोबिन जेकोबिन क्लब। ठीक है, इसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्लब। ठीक है ना। अब ये जो ग्रुप बना हुआ था ये कौन सा था, लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ओली मतलब इसके मेंबर्स कौन थे, शू मेकर्स थर्ड थे, लॉ। पेट्री ओके पेस्ट्री थर्ड मेकर्स थे, लैंडलेस स्टेट लेबरर्स ना, थे। थर्ड स्टेट थर्ड एस्टेट के गरीब लोग। गरीब लोग। ठीक है, ये लोग ने क्या करा, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहनना स्टार्ट कर दिए टू शो दैट वी आर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी ताकि किसकी जैसे दिखें, डॉक वर्कर्स डॉक की तरह दिखें, वर्कर्स क्योंकि डॉक वर्कर्स क्या होते थे, सच में भयंकर गरीब होते थे। वो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, क्योंकि नी ब्रीचेस तो कौन पहनते थे, नोबल्स। नोबल्स। ठीक है ना। तो उन्होंने खुद का अटायर कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि वो अलग से हाईलाइट दैट हाईलाइट दे करते हैं। बिलोंग टू पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये रेड कैप पहन के घूमते थे टू सिंबलाइज लिबर्टी। बहुत ठीक है, तो इनको अब दिखाना क्यों था ये पूरे कि हम लोग पुअर हैं, कुछ हम लोग परेशान हैं गवर्नमेंट से, हम लोग ने अगर चेंजेस रिवोल्ट लाने किया हैं। तो फिर भागोगे क्यों, बिकॉज जितने ज्यादा मास लोग आपको दिख रहे हैं लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहने हुए, अगर जिन्होंने हम ब्रीचेस लाने नहीं जाए पहने हैं, तो चाबी लोग आपसे उठा रंगीन के लंगे निकले, नंगे ध्यान कपड़े पहनेंगे से सुन। ठीक है, सो दे वांटेड टू लुक लाइक दे वर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा, धीरे 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 रिवोल्ट करना क्या कर दिया, स्टार्ट जीवा। कर दिया। सो व्हेन दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, व्हेन दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, रिवॉल्टिंग तो इनके जो इनिशियली रिवोल्ट थे वो कैसे थे, बहुत छोटे छोटे रिवोल्ट थे। कैसे थे, बहुत ज्यादा छोटे 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 रिवोल्ट थे, मतलब इन स्मॉल ग्रुप्स थे, कोई प्लान। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब इनके अभी तक जितने भी रिवोल्ट थे वो सारे कैसे थे, छोटे छोटे रिवोल्ट थे। ठीक है, इन्होंने समर ऑफ 1719 उसमें सोचा छोटे कि हम रिवॉल्ट लोग का क्या करते हैं एग्जांपल। कि बताते हैं, हम लोग एक प्लांट अटैक करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मतलब एक वायलेंट अटैक, जिसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो रूलर्स हैं उनको खत्म ही कर देंगे। ठीक डिस्ट्रॉय कर दें है ना, क्योंकि इन लोग को बहुत गुस्सा था क्या, कि हम लोग हमको इतना खाना वाना टैंक कुछ यूज मिल नहीं रहा करते है, हमको लोग इग्नोर कर रहे हैं, हमारे डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है। आर्बिट्रेरी। ठीक है ना। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 वो क्या हुआ, पैलेस ऑफ टुलरीज में गए, जो वहां का किंग था उसके गार्ड को मैसेक्रे कर दिया। मैसेक्रे मतलब कत्लेआम कर दिया उनका, मार दिया कत्लेआम मतलब मार दिया, मतलब ब्रूटली मार दिया। कई चीज चॉप ऐसे चॉप होती नहीं है कि किया किताब में एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, मार तुम्हारी दिया किताब में एक वर्ड लिखा हुआ है मैसेक्रे। मैसेक्रे मतलब कतले होता है आम कत्लेआम, मतलब बेरहमी से किसी को मारना। मारना। छोटी छोटी टुकड़ा ठीक है, बस। और जो नेशनल असेंबली उस टाइम बनी, उन्होंने बोला कि जो रॉयल फैमिली, इसको हम लोग क्या करेंगे, जेल में डाल डाल देंगे। देंगे। आई बात समझ में। और बोला अब से ऑल मेन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज को क्या मिल जाएगा, राइट टू राइट वोट। टू वोट। राइट और ये जो नए, टू 21 हो गया, ठीक है, वोट। तो ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इसको क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया। कन्वेंशन ठीक है ना। कन्वेंशन जो थी, इन्होंने क्या करा, मोनार्की खत्म कर दी, और बोला फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ का जो लीडर होगा वो एक हेरिडिटरी रूलर नहीं नहीं होगा, होगा बट तो इलेक्ट होगा बाय द पर एक पीपल। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी। जी, सारे आया समझ फॉर्मेलिटीज में। कर दी हाँ, आ रहे हैं। इसलिए किंग कॉन्स्टिट्यूशन हो गया लुईस कॉन्स्टिट्यूशन। 16 को डेथ सेंटेंस दे दी ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीएसन। ट्रीएसन मतलब उसने देश के साथ धोखाधड़ी करी। कैसे करी देश के साथ धोखाधड़ी, रूसिया के पर्शिया साथ हाथ मिला, रूसिया के आई साथ बात समझ में, है ना। और मैरी एंटनी के साथ भी यही किया, और इन 21 जनवरी को उसको क्या करा, एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया गया पब्लिकली एट पैलेस डे ला कॉन्कॉर्ड, आई बात समझ में। तो आगे। यहाँ पर किंग लुईस 16 की कहानी खत्म होती है, और 1793 से क्या स्टार्ट हुआ, 1794 तक रेन ऑफ टेरर। ओ बाप रे। ठीक है ना, एरर व्हाट वाज रेन ऑफ टेरर। टेरर मतलब क्या, आपको डर कर चलना है, क्या करना दियो है, इसमें डर सारे कर चलना इसमें है। तो ठीक है ना, क्या चलो होगा, रोबेस्पियर ने जो पॉलिसी फॉलो करी वो सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करी, मतलब अगर आप उसके फेवर में बोलो तो ठीक है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट अगेन कुछ भी बोलोगे तो बोल आपको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। दो जो लोग रोबेस्पियर को एनिमीज ऑफ रिपब्लिक लगते थे, एनिमीज रिपब्लिक मतलब जो पुराने नोबल्स हुआ करते थे, नोबल। जो क्लर्जी हुआ करते थे, या जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी दूसरी, पुराने उनके किंग्स और मेंबर्स नोबल थे। ठीक होते है ना, इन सबको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, जेल में डालते थे, अगर दे वर फाउंड गिल्टी दे वर बुलेटिन। बुलेटिन मतलब क्या, इनका सर दो
पोल्स के बीच में एक ब्लेड होता है उसके बीच में रख देते थे और उसको मार देते थे. एक्साइटेड नहीं होना इस चीज को लेकर. अरे ये बात समझ में ठीक है. What was bulletin? Bulletin was a device जिसमें दो poles होते थे, इसके बीच में एक blade होता था, और which was used to behead a person. Behead मतलब होता है सर से धड़ अलग कर देना, और इसको invent किया था Dr. Bulletin ने, इसलिए इसको bulletin बोलते हैं. Is it clear? क्योंकि government क्या थी? एक अलग type की government थी. क्यों ये अपने आप में एक अलग type की government थी? क्योंकि ये चाहते थे हम हर form and manner में क्या करें, from France में क्या लेकर आए, equality लेकर आए. मतलब ये कहीं पर भी inequality नहीं देख सकते थे. ठीक है, हमें कैसे पता चलता है? कैसे इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लॉ बनाया अंडर विच इन्होंने दो चीजों की मैक्सिमम सीलिंग लगा दी, एक वेजेस की और एक प्राइजेस की. मतलब कोई भी बंदे को आप इससे ज्यादा वेजेस नहीं दे सकते. मैक्सिमम अगर किसी कोई बंदे को इतनी ही तनख्वाह दोगे, इससे ज्यादा नहीं दोगे. और वैसे कोई भी चीज इस लेवल से ज्यादा महंगी नहीं हो सकती. यार फोन है तो वो इसी रेंज में मिलेगा, इससे महंगा आप नहीं बेच सकते. ठीक है ना. मीट और ब्रेड जो दो एसेंशियल फूड आइटम्स होते हैं, इनको राशन कर दिया. राशन मतलब ये आपको सस्ते रेट पर मिलेंगे. ठीक है ना. अगर पीजेंस भी सोचते थे कि हम लोग महंगा बेचें, तो उनको भी अलाउड नहीं था महंगा बेचना. उनको रीजनेबल रेट में ही बेचना था, गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस पर ही बेचना था. आई बात समझ में? शांति. एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर जो सफेद आता था वो बहुत महंगा बिकता था, तो उसकी जो ब्रेड आती थी वो भी बहुत महंगी बनती थी. तो बोला वो बैन है, कोई भी महंगा खाना नहीं खाएगा, सब लोग नॉर्मल ब्राउन ब्रेड ही खाएंगे, इक्वालिटी ब्रेड जो होल व्हीट की बनती थी. ठीक है ना. इसके बाद इसने क्या करा, जो फ्रेंच मेन और वुमेन थे, जो फ्रेंच मेन और वुमेन थे, बोला कोई भी किसी को सर मैडम नहीं बोलेगा, इक्वालिटी है सर, हर कोई एक दूसरे को क्या बोलेगा, सिटीजन सिटीजन बोलेगा. और चर्चेस बंद हो गए, और चर्चेस की जो बिल्डिंग्स थी दे वर कन्वर्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव offices. Okay. Is it clear to everyone? Haan. Haan. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हमारा क्या होता है, third unit खत्म होता है. third unit में एक चीज और है बेटा, कि जब ये सब हुआ क्या, what do we call it, Robespierre ने इतनी सारी conditions रख दी, इतना लोगों को क्या करा, परेशान किया. तो हुआ क्या finally? हुआ ये कि Robespierre के अपने लोग ही उससे परेशान हो गए, बोला इस extent तक equality practice हम लोग नहीं कर पाएंगे. ठीक है. और बाद में क्या करा कि उसके सपोर्टर्स ही बोलने लग गए, यार ऐसा नहीं होता, अपन को थोड़ा लोगों को क्या करना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए. Robespierre नहीं माना, उसको भी क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, और उसको भी बुलेटिन कर दिया. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब Robespierre के बाद गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल हो गई. गवर्नमेंट को एक बात और समझ में, यार एक बंदे के हाथ में जब भी हम लोग पावर देंगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा. ठीक है ना. तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी. ठीक है. और ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी, ये फिर किसने बनाई वापस से, रिच मिडिल क्लास ने बनाई. किसने बनाई, रिच मिडिल क्लास ने. और जो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से, उनसे राइट टू वोट फिर से क्या कर लिया, छीन लिया. आई बात समझ में? ठीक है. अब जब ये अपर मिडिल क्लास ने ये जो गवर्नमेंट बनाई, इसमें इन्होंने क्या करा, पांच डायरेक्टरीज अपॉइंट करे. कितने, पांच. क्योंकि इनको समझ में आ गया था एक बंदे के हाथ में पावर हमको नहीं देना, तो ये जो डायरेक्टर्स थे ये आपस में क्या करते रहते थे, लड़ते रहते थे. तो इस वजह से क्या हुई, इस वजह से इनकी गवर्नमेंट क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई. और क्योंकि इनकी गवर्नमेंट क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई, तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट दे केम टू पावर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जी युद्ध का क्या हुआ अभी तक, क्यों लड़ते, क्यों थे युद्ध का, क्या हुआ उनका मैच? What was the position of women in French society? Women की क्या position थी French society? ठीक है ना. अब जितनी भी third estate की women थी, वो शुरू से क्या थी, ऐसे घर बैठने वाली आंटियाँ नहीं थी. वो शुरू से क्या करती थी, working थी. ठीक है ना. हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन क्या करती थी, working तो थी. कोई job training में नहीं थी, working तो. हालांकि उनकी wages क्या थी, male counterpart से उनकी wages comparatively पढ़ाई लिखाई कौन करती थी, नोबल्स और वेल्डियर पीपल की बच्चे क्या करते थे, लड़कियां पढ़ती. जो वर्किंग वुमेन थी उनको घर का भी काम करना पड़ता था, बाहर का भी काम करना पड़ता था, और उनकी वेजेस भी क्या थी, कम थी. तो इसलिए जो वुमेन थी वो त्रस्त हो गई, और उन्होंने क्या करा, वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट करे.
उन्होंने क्या करे वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट करे, और उन्होंने बोला हमको भी क्या चाहिए राइट टू वोट चाहिए, हमको भी हमको पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करनी है, पता हम लोग भी इलेक्शन में खड़े हो पाए ठीक है, और हम लोग भी क्या करें इलेक्ट हों और हमको कोई ना कोई वो मिले ठीक है। ऐसी एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। आई बात समझ में? तो इनके इन रिवोल्यूशन से कुछ कुछ तो फर्क पड़ा था, गवर्नमेंट ने इनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करे थे, जैसे कि इनके लिए स्कूल्स बनाए थे, एजुकेशन लड़कियों के लिए क्या कर दिए थे कंपल्सरी कर दिए थे। आप लड़कियों को जबरदस्ती क्या नहीं करवा सकते, एक लड़के से शादी नहीं कर सकते अगेंस्ट देयर विल, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी और उस बंदे से शादी करने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो शादी नहीं करेंगे। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैरिज अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब लड़के ने तोड़ा तो लड़के को भरपाई करनी पड़ेगी, लड़की ने तोड़ा तो ऑन जस्टिफायबल ग्राउंड्स ठीक है। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, अब लड़के तो पहले भी डिवोर्स के लिए अप्लाई करते थे लेकिन अब लड़कियां भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती थी, और बहुत सारी चीजें उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स खुलवाए गए ताकि वो बिजनेस सीखे, बिजनेस खोलें अपना, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग लें, और आर्टिस्ट बनना है तो आर्टिस्ट बन जाए है ना। लेकिन वुमेन को राइट टू वोट कभी नहीं मिला 1946 के पहले। 1946 में फ्रांस के वुमेन को क्या मिला? राइट टू वोट मिला। ओके यहाँ पर तुम्हारा फोर्थ यूनिट क्या होगा बेटा? लास्ट यूनिट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, लास्ट यूनिट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है स्लेवरी ठीक है। अब सुन, स्लेव ट्रेड क्या था ठीक है, यूरोपियन नेशंस में जो प्लांटेशंस थी वहाँ पर क्या था, लेबर की बहुत कमी थी, प्लांटेशन में बहुत ज्यादा लेबर लगता है क्योंकि उनको टबैको शुगर कॉफी इंडिगो सब क्या करना पड़ता है, उगाना पड़ता है, पर वहाँ के लोग क्या करते थे, यूरोप के लोग कम वेजेस में काम नहीं करते, इसलिए जो फ्रांस के मर्चेंट थे वो कहाँ जाते थे, बॉर्डोक्स और नांटेस से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, वहाँ से क्या करते थे, वहाँ के जो अफ्रीकन चीफटेंस थे, वहाँ के जो अमीर लोग थे उनसे क्या करते थे, ये बंदे खरीद लेते थे, स्लेव्स खरीद लेते थे, और वहाँ वापस आके क्या करते थे, प्लांटेशंस में इन स्लेव्स को क्या करते थे, बेच देते थे। तो स्लेव्स को क्या करते थे, शिप में बिठाते थे, एक दूसरे के साथ बांध देते थे और अटलांटिक से ये कैरेबियन तक शिप में जाकर पहुँचते थे, फिर वहाँ के जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो प्लांटेशन ओनर्स को इन बंदों को क्या करते थे, बेच देते। चलो तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने बहुत टाइम तक क्या करा, बोला यार ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, आप किसी इंसान की खरीद बेच नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल असेंबली ने कभी कोई रूल नहीं पास करा किस चीज के लिए कि आप स्लेव ट्रेड को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी वो रिचर मिडिल क्लास से थी और रिचर मिडिल क्लास तो स्लेव ट्रेड से भयंकर पैसा कमा रहे थे, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो उनको परेशानी आएगी। फिर जब रोबेस्पियर की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या करा, बोला कि आप सारे स्लेवरी फ्रांस में क्या हुआ, स्लेवरी खत्म हो गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें सिंपल सा लॉजिक है क्या कि शुरू से क्या था, फ्रांस में सेंसरशिप बहुत हुआ करती थी, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, क्या छाप रहे हो, क्या पब्लिश कर रहे हो, कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा, किस तरह की मूवीज बन रही, किस तरह के प्रोग्राम्स बन रहे, ये सब आपको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, पूछकर पब्लिश करना पड़ेगा। आई बात समझ में ठीक है। तो ऐसे में न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, पैम्फलेट में, जिसको जो छापना होता था वो क्या करता था, छाप नहीं सकता ठीक है ना। जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजनशिप आई तब क्या हुआ, सेंसरशिप हट गई। सेंसरशिप हट गई मतलब आप न्यूज़पेपर वगैरह में जो चाहो छाप सकते हो। आगे बात समझ में? तो जैसे फ्रांस में क्या हुई, फ्रीडम ऑफ प्रेस आ गई, वैसे जिसको जिस बारे में जो जो बोलना था, जो प्ले लिखना था, जो सॉन्ग लिखना था, जो मूवी बनानी थी, वो सब वो क्या करने लग गए, बनाने लग गए थे। तो यही जो सेंसरशिप जब से हटी तब से क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच और ज्यादा क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि अब सब लोगों को समझ में आ गया कि अगर एक बंदे के दिमाग में कोई नया थॉट आ रहा है तो जो और 10 लोग इस तरीके से सोच सकते हैं उसको समझ में आ जाएगा कि हमें ऐसा ऐसा करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब यहाँ तक अगर कोई
परेशानी है तो मुझसे पूछ लो, वरना सिर्फ एक नेपोलियन के बारे में और पढ़ेंगे फिर हमारा चैप्टर खत्म होगा। अब हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, जब डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस फेल हो गया था, जब ये डायरेक्टरीज आपस में लड़ते थे, तो हमने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट केम टू पावर। बड़ा बढ़िया इंसान था नेपोलियन, इसने सब कुछ अच्छा कर दिया, पूरे फ्रांस को मॉडर्नाइज कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर दिया, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिया, जो लोगों के फ्यूडल ड्यूज थे वो उसने क्या कर दिए, खत्म कर दिए, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आया। बहुत बढ़िया इंसान था ये, इसने सिस्टम ऑफ मेजर्स और वेट सब जगह यूनिफॉर्म कर दिए कि आप जितना बिजनेस करना चाहते हो ना करो, आप जितना पैसा बनाना चाहते हो बनाओ, आपको जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है कमाओ, यानी कि जियो और जे दे दो, ठीक है। नेपोलियन की सिर्फ दो बातें खराब थी विच लेड टू हिज डाउनफॉल। एक, वो आसपास के सारे नेशन फ्रांस में मिलाना चाहता था, जिस वजह से वो हमेशा क्या करता था, आसपास के सारे नेशन से लड़ाइयाँ लड़ता रहता था, और क्योंकि आसपास के सारे नेशन से लड़ाइयाँ लड़ता रहता था तो फोर्स रिक्रूटमेंट टू आर्मी होता था। फोर्स रिक्रूटमेंट टू आर्मी मतलब कि आपकी इच्छा होना हो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मी में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और दूसरा सेंसरशिप, अगेन क्या आप नेपोलियन से पूछे बिना कुछ भी छाप नहीं सकते, कोई प्ले नहीं पब्लिश कर रिलीज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। दीज वर द टू थिंग्स जिसकी वजह से जो फ्रांस के लोग थे दे वर डिससैटिस्फाइड विद द नेपोलियन, अदरवाइज नेपोलियन का रूल बहुत अच्छा था, ठीक है। He was finally defeated in 1815 at the Battle of Waterloo.